लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एक्सरसाइज 16A, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल. क्वेश्चन नंबर 15 इज फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क्स. ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा है आर्क्स, मतलब दोनों लेंथ निकालनी है आर्क्स की, मेजर भी और माइनर भी. कट ऑफ फ्रॉम अ सर्कल, जो कि कट की गई है सर्कल में से, ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, जिनका रेडियस है 12 सेंटीमीटर, बाय अ कॉर्ड 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. और कॉर्ड कितनी है, 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है. तो देखिए, एक कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर की, मान लीजिए ये सेंटर है ओ, और एक कॉर्ड है 12 सेंटीमीटर की, ये आ गई कॉर्ड हमारी 12 सेंटीमीटर की, और रेडियस कह रहा है कितना, 12 सेंटीमीटर का ही रेडियस है. तो ये मान लीजिए ये 12 सेंटीमीटर रेडियस है, ये ज्वाइन कर दिया, ये भी 12 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस आ गया 12 सेंटीमीटर. तो रेडियस से जो आर्क कटी है, देखिए ये वाली आर्क, ये और ये, यहाँ पे नेमिंग कर देती हूँ, ये ए है और ये बी है, राइट. ये जो आर्क कटी है उसकी लेंथ निकालनी है माइनर और मेजर, राइट. आगे क्या कह रहा है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. हमें एरिया भी निकालना है माइनर सेगमेंट का. तो सेगमेंट कौन सी हुई, ये देखिए, ये कॉर्ड थी, कॉर्ड और आर्क से जो बनता है वो सेगमेंट कहलाती है. तो इस सेगमेंट का हमें एरिया भी निकालना है, और हमें पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और रूट थ्री की वैल्यू 1.73 लेनी है. तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. हमें रेडियस दे रखा है, तो हमारा तो ओ ए इक्वल्स टू ओ बी आया, कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और जो ये कॉर्ड है ए बी, ये भी हमारी कितनी है दे रखी है 12 सेंटीमीटर. तो अगर आप ट्रायंगल देखेंगे, उसके तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं. तो हम ये लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इक्वल्स टू ए बी, कितना 12 सेंटीमीटर है. अब जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो ये क्या बन जाएगा, एज ऑल साइड्स आर इक्वल, साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, तो ये क्या बन गया, हेंस ट्राइंगल ए ओ बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट. अब हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए थीटा की वैल्यू चाहिए, तो थीटा वैसे तो नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में थीटा कितना होता है, एंगल, सारे एंगल कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया, तो थीटा आ गया हमारा 60 डिग्री का, राइट. अब हमें लेंथ ऑफ आर्क्स निकालना है, तो लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी, माइनर आर्क ए बी, तो क्या होता है फॉर्मूला लेंथ ऑफ माइनर आर्क का, दैट इज 2πr थीटा अपॉन 360. तो ये कितना आ गया, 2 × π की वैल्यू हमें दे रखी थी 3.14 लेनी है, r की वैल्यू है 12 और थीटा हमारा आया 60 अपॉन 360. तो ये कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12. तो ये कितना आ गया, 2 × 2 = 4 इंटू, देखिए 2 × 2 = 4 इंटू 3.14, तो ये आ गया 4 × 4 = 16 कैरी 1, 4 × 1 = 4 and 5.43 = 12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है तो हमारी सेंटीमीटर में आएगी. तो हमारी माइनर आर्क की लेंथ आ गई 12.56 सेंटीमीटर. अब हमें मेजर आर्क निकालनी है, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, लेंथ ऑफ मेजर आर्क कैसे निकालेंगे, देखिए 2πr पूरे सर्कल के सर्कमफ्रेंस में से, या तो आप लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर दीजिए, लेंथ ऑफ माइनर आर्क माइनस कर दीजिए, तो भी आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि माइनर आर्क की जगह हमने यही लिख दिया 2πr थीटा अपॉन 360, और वो हमने अभी अभी कैलकुलेट करी है, तो दोबारा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. तो 2 × π की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 12,
माइनस माइनर आर्क की लेंथ आई 12.56, तो ये कितना आ गया, देखिए 12 2 24 और 3.14 की मल्टीप्लीकेशन 24 में, तो ये कितना है, 4 4 16 कैरी 1, 4 1 4 एंड 5 4 3 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आ गया 6 13 कैरी 1, 5 एंड 7, पॉइंट यहाँ लग गया, तो ये आया 75.36 माइनस 12.56, तो ये आ गया 6 में से 6 गया 0, 13 में से 5 गया 8 पॉइंट, 4 में से 2 गया 2 एंड 7 में से 1 गया 6, 62.80 सेंटीमीटर आ गई हमारी लेंथ ऑफ मेजर आर्क। अब हमें तीसरी चीज क्या निकालनी थी, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट होता है पाया स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, राइट, तो ये कितना आ गया, पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर हुआ 12 × 12 और थीटा हुआ हमारा 60 अपॉन 360 माइनस 1/2, आर आया हमारा 12 × 12 और साइन थीटा की जगह 60 आ गया, तो ये कितना आया, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और √3 की वैल्यू उसने कहा है 1.73, तो 1.73/2 हो गई, तो यहाँ लिख दिया 1.73/2, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 1 6, 6 6 36 एंड 6 1 6, 6 2 12, इसी तरीके से ये देखिए 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 6 12, तो ये कितना आ गया 3.14 × 24, क्योंकि 12 2 24 माइनस 6 6 36, ये देखिए दोनों 6 ये रहे, एक ये रहा, एक ये रहा, इंटू 1.73, तो अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.14 को 24 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया 4 4 16, 4 1 4 एंड 5, 4 3 12, 2 4 8, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आया 6 13 कैरी 1, 5 एंड 7, तो ये आया 75, दो के बाद पॉइंट लगना था, तो 0.36 माइनस, अब नेक्स्ट किसे मल्टीप्लाई करना है, 1.73 को 36 से, तो 1.73 को 36 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 कैरी 1, 6 7 42, 43, 6 1 6 एंड 10 इंटू 3 3 9, 3 7 21, 2 कैरी, 3 1 3 एंड 4 5, तो यार 8 9 + 3 9, 10 11 12 कैरी 1 2 एंड 6, और दो के बाद पॉइंट लगना था, तो ये आ गया 62.28, तो ये कितना आ गया एरिया हमारा माइनर सेगमेंट का, 16 में से 8 गैस 8, 2 में से 2 गैस 0, 0.5 में से 2 गैस 3 एंड 7 में से 6 गैस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया 13.08 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर।